हाय फ्रेंड, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लुप्स इन जावा सीखेंगे मैं खुर्शीद मोहम्मद अनवर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्ट ट्रेनर्स आइए सीखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं जावा के अंदर में सो so, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लूप का डेफिनेशन वट इज़ ए लूप ए लूप इज डिफाइंड एज ए कंटिन्यूसली रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर परफॉर्म अन गिवेन कंडीशन उसी तरह से एक और डेफिनेशन है जो इनफाइनाइट लूप के बारे में no infinite loop. Infinite loop का मतलब हुआ के अनएिंग लुप सो हम लोग सबसे पहले फोर लुप से स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग फोर लुप के बारे में सीखेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइल एंड डू वायल लुप के बारे में सीखेंगे a for loop is a repetition control structure that allows you to efficiently write a loop that need to execute a specific number of times. so you have a specific number of times, some pata, jab rata hai we should use for loop. a for loop is useful when you know how many times a task is to be repeated. Uh, just, uh, दिंगटेस इज एज फॉलोज फोर लूप इसमें तीन पार्ट होते हैं एक होता है इनिशलाइजेशंस दूसरा होता है कंडीशंस एंड तीसरा होता है इंक्रीमेंट किसी भी लूप में तीन चीज़ का होना जरूरी है कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक जाना है उसको यानी उसका कंडीशन क्या है एंड वो कैसे जाना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके कैसे जाना है देन यहाँ पर स्टेटमेंट्स होगा लुप का एंड आफ्टर डेन लुप जो है ये ब्लॉक के अंदर में एग्जीक्यूट करेगा नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी उसका कंडीशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप के बाहर निकल जाएगा सो एल्गोरिथम ऑफ फोर लूप तो यहाँ पर क्या है द फोर लूप इज एग्जीक्यूटेड इन द फॉलोइंग वे पहला जो है द स्टेटमेंट्स इन इनिशियलाइजेशन आर एग्जीक्यूटेड जो भी इनिशियलाइजेशन में जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा सपोज करें कि इनिशियलाइजेशन में अगर आई इक्वल टू जीरो है तो वो जीरो लेके स्टार्ट करेगा ओके देन द लूप कंडीशन इज इफ़ इट इज टू गो टू स्टेप थ्री एज मूव आउट ऑफ द लूप अगर ये लूप का कंडीशंस जो है अगर ट्रू होता है तो वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा ऑर्डर वो लूप से बाहर निकल जाएगा एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन द लूप बॉडी सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा यहाँ पर वो लूप के बॉडी एग्जीक्यूट करता रहेगा एंड जैसे ही कंडीशन वो फॉल्स हो वो लूप के बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट का आई प्लस प्लस एनी एक करके इंक्रीमेंट करेगा या फिर आई माइनस माइनस या फिर माइनस या फिर प्लस प्लस आई या फिर माइनस माइनस आई तो इस ढंग से जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो लूप का पार्ट है वो एग्जीक्यूट करेगा एंड देन गो टू स्टेप टू फिर यहाँ पर ये स्टेप टू पर आएगा फिर यहाँ से जो है स्टेप टू में आने के बाद यहाँ पर स्टेप टू आने के बाद वो फिर से एग्जीक्यूट करेगा एंड चेक करेगा लुप सेटिस्फाइड है कि नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर ये सारे काम करेंगे अदरवाइज ये लुप के बाहर चले जाएंगे आइए एक एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो है लूप एक से दस बार हेयर इज़ ए लूप विच प्रिंट नंबर फ्रॉम वन टू टेन यानि एक से लेकर दस तक ये नंबर प्रिंट करेगा तो यहाँ पर आ, जो है जो सी है यहाँ पर लूप जो है आई एन टी आई वन से स्टार्ट हो रहा है एंड देन ये कहाँ तक जाएगा टेन तक जाएगा एंड देन आई प्लस प्लस तो सबसे पहले लूप जो यहाँ पर इन करेगा एंड लूप के लिए करेगा आई इक्वल टू वन सो आई यहाँ पर इक्वल टू वन हुआ एंड देन चेक करेगा कि आई टेन है कि नहीं तो ऑब्वियसली आई टेन नहीं है तो यहाँ पर लूप के बॉडी में आएगा एंड वन प्रिंट करेगा देन उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ पर जाएगा इस पोजिशन में जाएगा आई प्लस प्लस आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई क्या हो जाएगा अब जो हो जाएगा आई जो है टू हो जाएगा एंड यहाँ पर फिर देखिए चेक करेगा कि आई टेन है नहीं है आई टेन नहीं है देन यहाँ पर टू प्रिंट करेगा फिर आएगा यहाँ पर आई प्लस प्लस तो आई क्या होगा थ्री हो जाएगा एंड देन यहाँ पर चेक करेगा कि आई टेन है कि नहीं नहीं आई टेन नहीं है देन ये प्रिंट करेगा थ्री तो इसी ढंग से यहाँ पर आई फोर आई फाइव टिल आई टेन तक चेक करता रहेगा और यहाँ पर प्रिंट करता रहेगा टिल आई टेन तक आई टेन के बाद जो है फिर यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस तो लास्ट वैल्यू क्या होगा आई इलेवन हो जाएगा क्योंकि ये प्लस प्लस आई इलेवन हो जाएगा अब यहाँ पर आके चेक करेगा कि ये इलेवन है नहीं है क्योंकि यहां पर कंडीशन क्या है आई लेस देन इक्वल टू टेन सो यहाँ पर इलेवन क्या हो गया टेन से बड़ा हो गया सो इसीलिए ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा बिकॉज कंडीशन बिकम फॉल्स तो यहाँ पर लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा एंड प्रिंट करेगा वन से लेके फाइव तक आइए अब हम लोग एक फुल प्रोग्राम के जरिए समझते हैं फॉर लूप को यहाँ पर एक फैक्टोरियल बनाया गया है जावा के अंदर में फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल प्रोग्राम्स सो हमने क्लास यहाँ डिफाइन किया है क्लास पब्लिक क्लास फैक्टोरियल एग्जाम्पल्स पब्लिक क्लास फैक्टोरियल एग्जाम्पल पब्लिक स्टेटिक बॉय मैनिस्टरिंग यहाँ पर तीन वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं int i f equal to इक्वल n equal to इक्वल सो so, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आई जो है वन से एंड आई कब तक जाएगा फाइव तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस तो फर्स्ट यहाँ पर आई वन से शुरू हो रहा है चेक करेगा आई फाइव है नहीं है तो यहाँ पर आएगा तो so, यहाँ पर देखिए कि एफ का वैल्यू है f का वैल्यू जो है वन है एंड फर्स्ट टाइम में i का वैल्यू वन है तो क्या होगा वन प्रिंट करेगा ओके okay, फिर यहाँ से जाएगा i प्लस प्लस होगा i बिकम कम टू हो जाएगा तो i फाइव है नहीं है तो so, फिर यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू फे का है एंड देन आई जो है टू हो जाएगा तो यहाँ पर टू आ जाएगा देन यहाँ पर आई प्लस प्लस हो जाएगा आई प्लस प्लस यानी आई बिकम थ्री चेक करेगा आई फाइव है नो आई फाइव नहीं है तो यहाँ पर जो है ये टू फैक्ट्रेल्व था एंड देन आई बिकम थ्री दिस बिकम सिक्स तो इफेक्ट एफ जो है सिक्स हो गया एंड देन अगेन चेक करेगा आई फाइव है नहीं आई स्टिल फाइव नहीं बिकॉज आई जो है थ्री के बाद फोर होगा सो so, तो यहाँ पर हो गया 24. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा I प्लस प्लस यानी फोर था अब I बिकम फाइव फाइव है यस yes, अभी तक है लेस देन इक्वल टू यानी इक्वल टू फाइव है सो अगेन एग्जीक्यूट करेगा फोर इन टू फाइव ये हंड्रेड ट्वेंटी हुआ एंड देन यहाँ पर I प्लस प्लस आएगा तो नाउ लास्ट टाइम में क्या हो गया I जो है सिक्स हो गया एंड यहाँ पर I कितना है फाइव तक है तो ये कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया अब ये लूप के बाहर यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर आके वैल्यू प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इक्वल टू फाइव यानी इस ढंग से वैल्यू प्रिंट करेगा फैक्टोरियल इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो एफ का वैल्यू प्रिंट करेगा इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल्स के जरिए फोर लूप कैसे एग्जीक्यूट करता है वो सीखा उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक like करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वाइल्ड लुक के साथ मिलते हैं थैंक यू